नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारतीय फिल्म जगत के मशहूर कलाकार अनुपम खेर की। आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। आप कलाकार हैं, कुछ और भी है? सब कुछ हूँ जी। क्या हो? मैं कलाकार हूँ, मैं सामाजिक बातों पे बात करता हूँ, लेखक हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, टीचर हूँ। टीचर टीचिंग एक्टिंग एवरीथिंग सिखाते हैं और सिखाते हैं ना, गलत काम करना सिखाते नहीं। नहीं नहीं, गलत काम कुछ ही नहीं करते। तो आपके आज में कुछ भी होता रहता है? कुछ भी हो सकता है। बदलते रहते हैं आप? बदलते रहते समय के अनुसार या वैसे? नहीं, री इन्वेंशन के हिसाब से। कई बार होता है ना कन्विक्शन इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस के लोगों के लिए। नहीं नहीं, मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे प्रोफेशन में ऐसी जरूरत ही नहीं। ये गांधी की जवाब लगे हुए 21 तोपों की सलामी आप दे रहे हैं, क्यों ईमानदार आदमी को देने जा रही है कि गांधी से आपका प्यार? क्यों पहले भी आपने फिल्म की थी गांधी के ऊपर? मैंने गांधी को नहीं मारा। गांधी से क्या लगता है आपको खास है? और भी बहुत हीरो हमारे हिंदुस्तान के अंदर। आई थिंक गांधी जी जैसा हीरो तो कोई नहीं। उनसे पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे राष्ट्र पुरुष बहुत है। आई नो बहुत है, मगर मेरे फेवरेट है गांधी जी। मैं जिस जनरेशन से आता हूँ या मैं कहता हूँ हम जिस जनरेशन से आते हैं उसमें स्कूलों में कॉलेजेस में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में पैदा हुए, लेकिन वैल्यूज के बारे में, गांधी जी के बारे में, आजादी की लड़ाई के बारे में बहुत कुछ बताया जाता था। फिर मैंने उनकी किताबें वगैरह पढ़ी और मुझे लगता है कि उनकी फिलॉसफी वर्ल्ड की नॉन वायलेंस की बहुत बेस्ट। आप सिर्फ नॉन वायलेंस की वजह से उनसे इम्प्रेस? नॉन वायलेंस, उनके रहने सहने का तरीका, उनकी एक ऐसा राजनेता जिसका मैसेज था कि माय लाइफ इज माय मैसेज। आई थिंक ऐसा कोई भी नेता ऐसी बात नहीं कर सकता, पुराने ले लो या आज के किसी। आपने उसी की नकल की थी किताब जो लिखी थी आपने, बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। नहीं, मैंने माई लाइफ इज माई मैसेज, तो ऐसा कॉम्बिनेशन लगता है, मिलता जुलता है। नहीं, ऐसा प्रभु जी, मैंने किताब लिखी थी अपने, मैंने एक प्ले किया था कुछ भी हो सकता है 10 साल पहले अपनी जीवनी पर, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने उस प्ले में अपनी जितनी भी परेशानियां थी या जितनी भी त्रुटियां हैं हो सकती हैं या जितने भी मेरे एक्सीडेंट्स हैं या मेरे फेलियर्स हैं, मेरे डिजास्टर्स हैं, उनको भूल दिया स्टेज पर और अपना मजाक उड़ाया उनका। तो जब आप अपनी दिन आप अपने हंसना जानते हैं खुद अपनी बात बिल्कुल, और जब आप अपने आप पर हंस सकते हैं तो दुनिया आप पर नहीं हंस सकती। नहीं हंसते तो आप मौका नहीं देते। पर ये जो फिल्म आपने बनाई जब 21 तोपों की सलामी मिली, कब शुरू की थी फिल्म? ये 21 तोपों की सलामी आज से 1.5 साल पहले मुझे इसके जो प्रोड्यूसर थे अभिनव जी, वो मुझे स्टोरी सुनाने आए थे। उन्होंने, मैंने उनको कहा था कि मैं आज कल काम फिल्म में करता हूँ तो मैं पूरी स्टोरी सुनूंगा। तो मैं 2 घंटे इनके लिए रखे थे कि आमतौर पर 2 घंटे की नरेशन होगी, मगर मुझे उन्होंने फिल्म का आइडिया, मैंने कहा पहले तो 5 मिनट बताओ आइडिया क्या है, अगर मुझे 5 मिनट में पसंद नहीं आएगा, क्योंकि नए प्रोड्यूसर थे मैं, आई कुड थ्रो माई वेट अराउंड, नया डायरेक्टर था। तो उन्होंने कहा, मैं थोड़ा इंट्रीक तो हुआ था कि 21 तोपों की सलामी इज एन इंटरेस्टिंग टाइटल। तो उन्होंने मुझे 5 मिनट में जो फिल्म की कहानी सुनाई, मैंने उनसे कहा कि मुझे पूरी 2 घंटे की कहानी सुननी, मैं फिल्म कर रहा हूँ। और कहानी ये थी कि एक इंसान को, एक ईमानदार इंसान को जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्लास 4 एम्प्लॉई है, उसको अपनी लाइफ में जब भी कभी कोई सम्मान मिलने वाला होता था तो कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती थी या कोई ना कोई हादसा हो जाता था। पर सवाल जी का आपने स्टेटमेंट की ऑनेस्टी के ऊपर है। जी जी, कि अपने आप को भी, आपके तो मैं भी अपने आप को ऑनेस्ट मानता हूँ, आपका मैंने इंटरव्यू पढ़े हैं। जी जी, कि अपनी तारीफ भी खुद करने में आपको कोई कंजूसी नहीं करता। देखिए, ऑनेस्ट इंसान के पास सिवाय ऑनेस्टी के यही एक एरोगेंस है। मतलब एरोगेंस आपकी ऑनेस्टी की, आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो लगता है कि बाकी सारे चोर हैं। अनुपम खेर ईमानदार, आपने कहा फिल्म एक बड़ा सानी जो है वो ईमानदार है। जब ईमानदार आदमी का कोई डिस्क्रिप्शन करना हो तो पहले बलराज सानी को लेते थे, अब मुझे लेते हैं। इसके बीच में सारे बेकार नहीं, उनको शायद उनका अलग अलग तरीका है। वो अपना डिंडोरा पीटना चाहता हूँ, मुझे बाकियों से क्या लेना देना। अगर मुझे मेरे घर पे खाना अच्छा बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु चावला जी के घर पे खाना खराब बनता है। अच्छा, सीधी दूसरों की तारीफ करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं। नहीं नहीं, जब दूसरों की तारीफ में बहुत करता हूँ, मगर मोदी की बात है, सिवाय मोदी के किसी की तारीफ नहीं करता। तारीफ में डंकी की चोट पे डंकी, क्योंकि आपकी पत्नी वहां पर एमपी बन गई है। बिल्कुल, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद हिंदुस्तान को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी इज्जत कर सकते हैं, जिसने पहली बार देशभक्ति का भाव जगाया है, जिसको देखकर लगता है कि ये राजनेता ऐसा होना चाहिए। पर मैं कहना, जो फिल्म के अंदर आ जाए, किरण जी आई है फिल्म के अंदर, आप फिल्म, आप पॉलिटिक्स में नहीं गए, वो चली गई, तो आपने फैसला उन्होंने किया या आपने कहा कि एक दोनों में देख जाएगा? उनकी पार्टी ने किया। उनकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी? नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं था, मगर उनको एक दिन, ये बिल्कुल ऐसे ही हादसा हुआ कि हम दोनों टीवी देख रहे थे सुबह, उनको फोन आया अरुण जी का कि आप लड़ना चाहेंगे अगर हम आपको टिकट देते हैं? तो उन्होंने कहा मैं शाम तक बताती हूँ। उसके बाद हम दोनों 11 बजे रात को हम टीवी देख रहे थे और सडनली नीचे एक स्टिकर आया
किरण खेर चुनाव लड़ेंगी चंडीगढ़ से, तो किरण कहती है अनुपम मैं चुनाव लड़ रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही पता लगा, उनसे पूछ लिया कि बताया नहीं उन्होंने, तब भी अनाउंस कर दिया उनका नाम, नहीं उन्होंने कह दिया था कि मैं 4 बजे फोन करके कि मैं ठीक है मैं रेडी हूँ, 4 बजे तक बताया नहीं होगा ना, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया ना, छोड़ो उसके बच्चे की बात, पर सवाल ये कि आपको लगता नहीं कि अगर आप जाते होंगे थोड़ा अच्छा कुछ भी हो सकता था आपकी लाइफ में, भी आप भी जा सकते थे? नहीं मैं तो अभी एक्टिंग से मुझे फुर्सत नहीं, टीचिंग से ही फुर्सत नहीं है। तो फिल्म स्टार जो कपल रहे हैं काफी आए हैं जी, आप धर्मेंद्र जी को दे दिए, हेमा मालिनी को देख लीजिए, जावेद को दे दिए, शबाना को देख लीजिए, गोविंदा को देख लीजिए, या कोई और लोगों को देख, लगभग फेल हुए हैं लग, क्योंकि उनके एक पांव इधर एक पांव दो किस्तों में, इसीलिए शायद मैं राजनीति ज्वाइन नहीं करना। आपकी पत्नी अभी भी एक्टिंग करती है? बट वो 2-3 फिल्में करती है साल में। हाँ 2-3 फिल्में था कालेंगे, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना, ये तो जितनी फिल्में अब तक उन्होंने की थी वो चुनाव से पहले की थी, उसके बाद अभी तक तो उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है, और करनी चाहिए अगर उनको फिल्म मिलती है तो। फिर उसके बाद पब्लिक की सेवा कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं, हिस्टोरिकली जो है कौन फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन आया बेचारे एक साल के बाद छोड़ चले गए, जब से इलेक्शन खत्म हुए हैं और जब से वो चुनाव जीत कर आई है, या तो उन्होंने अपना पूरा वक्त, उनकी अटेंडेंस पार्लियामेंट में 90% है, 95% और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 85% है, सो शी इज द काइंड ऑफ पर्सन इफ शी हैज सेड यस टू पॉलिटिक्स शी विल डिवोट हर टाइम देयर। आप बीजेपी के बड़े समर्थक हैं? बीजेपी के सच्चाई का समर्थक नहीं, अच्छा वो सच बोलती है कि पॉलिटिशियन है बाकी? नो मुझे लगता है कि शी इज वॉट एवर क्वालिटीज शी मे नॉट हैव, बट द क्वालिटी जिस मार्जिन से जीती है वो तो होगी क्वालिटी, तभी तो जीती है, नहीं तो कौन वोट देता उनको, वो आपसे बेटर जो वोट परफॉर्मेंस करेंगे। मुझे कहते हैं बिल्कुल परेशानी कि वो मुझसे बेटर एक्ट्रेस है, चलो इस मामले में कंफ्यूज नहीं की आपने के घर जाना वापस आपको, ऐसा कुछ नहीं। एक बार बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के समर्थक हैं या किरण खेर जो बीजेपी है उनके समर्थक हैं? मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, बीजेपी के नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता हूँ, और क्योंकि मैं हिंदू हूँ और इसलिए लोग आमतौर पे कहते हैं कि आप आरएसएस के प्रचार करते हैं, तो मुझे इस बात से कभी कोई गिल्ट महसूस नहीं होती, और ना ही मैं कभी इस बारे में डिफेंसिव होता हूँ। आई एम वेरी प्राउड इंडियन एंड आई एम प्राउड हिंदू एंड आई एम प्राउड पर्सन एंड प्राउड टू प्रेज मिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राउड हिंदू भी है अपने आपको? पहले फिल्म सारा जो कह रहे हैं कि मैं प्राउड हिंदू, मेरे को कुछ सुना नहीं, मैं बिल्कुल इस बारे में डिप्लोमेसी, कश्मीरी है इसलिए थोड़ा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ा हुआ है। आई थिंक एवरी पर्सन इज गिवन अ रिलीजन और अ बैकग्राउंड फ्रॉम हिज फैमिली, एंड आई हैव, मैं बचपन से जब से आऊं, मेरे दादा ने जो योगा के टीचर थे वो मैं रामायण महाभारत की कहानी सुनाए जाते थे, मंत्र उच्चारण करता हूं मैं, पूजा करता हूं, तो आज तक एक फैशन हो गया है कि जहां हिंदू अपना हिंदुत्व की बात जोर से बोलता है तो बोलते हैं कि ये तो यार ये वो नहीं है। आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा? नहीं मैं करूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर गलती से कोई ज्वाइन करनी पड़ेगी तो कौन सी ज्वाइन करेंगे आप? ये मैं उस समय सोचूंगा, और गलती से नहीं करूंगा, सोच समझ के सोच समझ करेंगे कि आपसे ऐसी गलती नहीं होती, आप जब लाइफ में कुछ भी हो सकती है। लाइफ में तो बहुत गलतियां की है मैंने, नहीं कुछ भी हो सकता है, मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहूंगा तो मैं आई वुड लाइक टू गिव माई 100% टू पॉलिटिक्स, ताकि प्रभु चावला जी किसी और का इंटरव्यू लिखते समय ये ना बोले कि अनुपम खेर जैसे हो गए, ना पॉलिटिक्स में रहते हैं ना फिल्मों में रहते हैं। नहीं अनुपम जैसे तो अभी जो है पॉलिटिक्स करते रहते हैं पर पॉलिटिक्स में होते नहीं है जी, यू आर इन पॉलिटिक्स बट जेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। नो आई एम घर में पॉलिटिक्स है तो फिर पॉलिटिक्स? नो आई एम एन आउटस्पोकन पर्सन, आई टॉक अबाउट द कंसर्न्स दैट बॉदर मी अबाउट द कंट्री विदाउट फीलिंग डिप्लोमेटिक अबाउट इट। पर एक बार तमाम 21 तोपों की सजेस्ट रोल आपने सुना, 21 तोपों में बार बार आ रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं। नहीं नहीं 21 तोपों से मैं कहीं और जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो बन नहीं रही बात है। 21 तोपों का रोल जो चूज किया आपने, ये आपको ऑफर किया कि आपने करना है या खुद ही आपको बाद में पहले जैसे पहले किया था? नहीं जब मैंने जब कहानी सुनी थी और मैंने कहा था मैं रोल करना चाहता हूँ, आप ही निकल, आपको पहले ऑफर किया ना इसका? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि आपके पास प्रोड्यूसर है, आपका लगा नया है, तो उसके माध्यम से आप गांधी का मैसेज आगे दे रहे हैं। पूछा था प्रोड्यूसर से, आपके जहन में अगर मैं ये रोल नहीं कर रहा हूँ तो कौन कर पाएगा, एंड विदाउट हिम वांटिंग टू सॉर्ट ऑफ गिव मी ए वेरी राइट आंसर, जिसे मैं फिर ये फिल्म नहीं बनाऊंगा, ये फिल्म बनाएंगे, उनको सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर था, इस वजह से फिल्म आपकी सक्सेसफुल हो रही है थोड़ी बहुत लगता है। पर ये बताइए आप, मैं पूछूंगा, आप इसी चक्कर में 2 अक्टूबर के स्वच्छ भारत के अभियान में भी जुड़ गए, मोदी जी के, मोदी ने किसी को अपॉइंट किया फिर आपने अपने आप में, पहली बार बहुत सालों बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसको फॉलो करने का दिल करता है, तो आपको लगता है स्वच्छ भारत के नाम से और बाकी का मोदी को फॉलो करने का दिल करता है आपको? नहीं मैं उनकी फिलॉसफी से भी यकीन करता हूँ कि देश के लिए करने के लिए, देश के लिए कुछ भी करना चाहिए, उसके लिए जो उन्होंने देशभक्ति का भाव मुझ में जगाया है वो लोगों को कहना, क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, मोदी जी हैं वो नारेबाजी में ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रैक्टिस में कम विश्वास करते हैं, ये पूछूंगा एक ब्रेक के बाद आपसे।
सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अनुपम खेर से, तो स्वच्छ भारत में बात हो जाए। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत देता हूँ स्वच्छ भारत। नहीं, बहुत लोगों ने शीला दीक्षित झाड़ू लगाई पहले 6 साल पहले, यहाँ पर फोटो छापी थी हम लोगों ने। पर ये स्वच्छ भारत का जब सपना उन्होंने दिखाया, कोई नई मॉडल नहीं था उनका, इससे पहले भी कई नेता ये सब कर चुके हैं। और अब देखा गया कि बॉम्बे में जाकर इलेक्शन रैली हुई, उसके बाद सफाई शिवसैनिक कर रहे थे ग्राउंड की, दिल्ली के अंदर भी जहाँ पर प्रभु जी कुछ लोग माइंड सेट चेंज करना चाहिए ना उसमें। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ त्रुटियां देखते हैं, मैं उन लोगों से हूँ जो सिर्फ पॉजिटिविटी देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए मुझे बहुत आसान है किसी को, आपको भी बहुत आसान है किसी को क्रिटिसाइज करना, बट किसी भी चीज को बनने में टाइम लगता है। एंड आई थिंक आई विल गिव माय फुल सपोर्ट टू दैट। नारा अच्छा है, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सफाई का अभियान जो है, कॉर्पोरेटर जो बीजेपी के हैं, चाहे बॉम्बे में हो शिवसेना के या दिल्ली में 300 लोग बैठे हैं, अगर वो सफाई नहीं करा सकते तो मोदी जी बेचारे इतने बड़ी कोशिश करते हैं, होगी नहीं। जो चेंज बहुत साइलेंटली होता है, चेंज ओवरनाइट नहीं हो सकता है। आज अगर मैं इस ऑफिस में आया हूँ या आपके ऑफिस में, अगर आप सफाई करते हैं, रखते हैं ना आप अपना घर साफ करते हैं, अपना घर भी साफ रखते हैं, तो आप देश की नजर से भी वैसा ही सोचते हैं। तो एटलीस्ट इन्होंने इस अभियान के थ्रू ये महसूस कराया कि घर और देश में ज्यादा फर्क नहीं है। अपने काउंसलर को दिल्ली के कहना चाहिए था कि सफाई कराइए मोहल्ले में जाकर के, 12 साल से अवॉइड कर रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ही कैन नॉट बी। मेरे को आपसे सवाल ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोदी जी के अच्छे काम जो है, अच्छे नारे जो है, वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? आपको लगता है कि वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि जब तक पार्टी के लोग नीचे से अच्छा नहीं करेंगे। देखिए मैं आज से 35 साल पहले जब मैं बॉम्बे गया था एक्टर बनने के लिए, मैं पतला था, मेरे बाल बहुत जड़े हुए थे, ये तो बहुत ही डिग्निफाइड सेक्सी लुक है। और मैं अगर ये सोचता कि यार इस शहर में तो कभी बाल वालों के बगैर काम नहीं मिल सकता, तो मैं आज आपसे बैठ के 30 साल बाद यहाँ बात नहीं कर रहा होता। तो मैं जानता हूँ कि कोई चीज होनी होती है तो होके रहती है। अगर मैं इसको एक नेशनलिस्ट के हिसाब से देखूं तो मैं सोच कह रहा हूं कि जो सपना मोदी जी हमें दिखा रहे हैं, अगर वो पूरा हो जाए तो दैट विल बी द मोस्ट अमेजिंग थिंग, एंड वो होगा। वो आपका सपना कि मोदी जी को सफलता पूरी मिले बिकॉज वो देश की सफलता होगी। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।